शक्तिमान में कौन हीरो होगा नहीं होगा, लेकिन सर ये तो बता सकते हैं आप कि किस तरह की क्वालिटीज देख रहे हैं आप एक्टर में जो शक्तिमान के रोल को जस्टिफाई करे, या फिर आपके जहन में कोई एक्टर हो? अगर नहीं बता सकता, मेरे जहन में कोई एक्टर हो तो मैं अभी तक स्टार्ट कर चुका था। सिर्फ क्वालिटी चैलेंज एलवी रिव्यू में आपका स्वागत है। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं शक्तिमान मूवी के बारे में। तो आज कोई रिव्यू नहीं होगा मूवी का, ना ही कोई ट्रेलर का, ना ही कोई वेब सीरीज का। तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि इसका बजट के बारे में, तो भाई इसका जो बजट है वो आपको 300-400-500 करोड़ के बीच में देखने को मिलेगा। तो भाई इतने करोड़ वाली जो मूवी है, सोनी वालों ने काफ़ी अच्छी न्यूज़ दी है हमें ये शक्तिमान के प्रोजेक्ट को लेके। तो बाकी है बात करेंगे आज हम इसके तीन अपडेट जो निकल के आए हैं। तो पहला अपडेट मैं आपके लिए लाया हूँ कि जो रूमर्स फैला हुआ था रणवीर सिंह के मामले में कि रणवीर सिंह ही शक्तिमान के रोल के लिए फिट बैठते हैं, बट वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि मुकेश खन्ना जी ने क्या बोला। वो जो न्यूज़ निकल के आई थी रणवीर सिंह की, वो रूमर की रूमर ही रहेगी। तो पहला अपडेट तो ये हो गया। और मुकेश खन्ना जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, वो क्लिप आपने शायद उनके चैनल पे देख ली होगी, और जिन्होंने नहीं देखी वो एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने शक्तिमान मूवी के बारे में क्या क्या बोला। तो सेकंड अपडेट ये निकल के आ रहा कि उन्होंने बोला कि हम कोई नया चेहरा लेके आएंगे, कोई ना ही कोई हम कोई बड़ा स्टार बॉलीवुड का लेंगे और ना ही कोई बड़ा हीरो, हम लेके आएंगे एक नया चेहरा। काफ़ी दिनों से बॉलीवुड बदनाम हो गया है कि रिमेक के मामले में नंबर वन चल रहा है बॉलीवुड। हाल ही में लाल सिंह चड्ढा आपने देखा ही होगा कि उसके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं लोग, बॉयकट लाल सिंह चड्ढा, उसी के बारे में उन्होंने सोच समझ के उन्होंने बोला कि हम ना ही कोई स्टार लेंगे ना ही कोई बड़ा एक्टर लेंगे। एक आपने क्लिप अब देखना, इसके बाद वो पूरी सुनना, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने बोला कि ना ही हम बैटमैन को कॉपी करेंगे, ना ही सुपरमैन को, ना ही कैप्टन अमेरिका को। बाकी आप देखो यार, क्लिप देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ शक्तिमान में कौन हीरो होगा नहीं होगा। लेकिन सर ये तो बता सकते हैं आप कि किस तरह की क्वालिटीज देख रहे हैं आप एक्टर में जो शक्तिमान के रोल को जस्टिफाई करे, या फिर आपके जहन में कोई एक्टर हो? अगर नहीं बता सकता, मेरे जहन में कोई एक्टर हो तो मैं अभी तक स्टार्ट कर चुका था। सिर्फ क्वालिटीज पे बता दीजिए। सिर्फ क्वालिटीज देखिए, मैंने अपने खुद के प्रोड्यूसरों को जो मेरे साथ है उनको मैंने कहा था कि आपकी कॉम्पिटिशन स्पाइडरमैन से नहीं है, बैटमैन से नहीं है, कैप्टन प्लैनेट से नहीं है आपकी कॉम्पिटिशन। जो हमने 7 साल बनाकर तेरे पर रहकर आज 25 साल से जो इमेज बनी है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर देम टू मेक शक्तिमान, उसमें फिट होने के लिए। शक्तिमान सिर्फ सुपर हीरो डिशुम वाला एक्टर नहीं है जो सुपरमैन स्पाइडरमैन में, शक्तिमान सुपर स्टार सुपर हीरो के साथ सुपर टीचर भी बन गया। बच्चे पूरे एक जनरेशन बड़ी हुई है मेरे साथ, आज भी मेरे को बच्चों के मैसेजेस आते हैं जो 30 साल के हो गए, सर यू मेड अवर चाइल्डहुड, सर आपने हमारा चाइल्डहुड। अब वो चीज जो एक्टर करेगा उसके अंदर ये रहना चाहिए कि वो जब बोले तो लोग सुनेंगे उसको, वो क्वालिटी किसी एक्टर में है। बड़े बड़े एक्टर हैं, उनकी अपनी इमेज बीच में आती है, चले अड़िया ए बिड़ो अड़िया ऐसे बोलने वाले बैठे हुए ना, सो उनको वो चाहिए। आज बहुत 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 बहुत, बहुत शातिर हो गए व्यूअर्स, क्योंकि मैं चैनल चला रहा था, मुझे मालूम है अरे ये तो बीजेपी का दिखता है, रेले अरे ये तो RSS लगता है, उनकी फ्रीडम है, बोलते हैं। यहाँ पर भी कोई बोल गया अरे तू क्या सिखाता है यार, बैठ 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 बच्चा है तू, तो शक्तिमान बन सकता। शक्तिमान बनेगा तो शक्तिमान में पावर एक्टिंग सब कुछ, बिकॉज तो शक्तिमान इज सर्व शक्तिमान से नेक्स्ट नंबर पे शक्तिमान होता है। कहा मैंने कहा पिक्चर चलेगी तो कंटेंट पे चलेगी साहब, कोई सुपर स्टार नहीं चलाएगा शक्तिमान, लेकिन पिक्चर जब 300 करोड़ की बनती है तो सोचना। तो भाई आपने देख ही लिया होगा कि मुकेश खन्ना जी ने क्या बोला। आजकल की जो पब्लिक है वो कंटेंट देखती है, कॉपी वापी नहीं देखती। तो 300 करोड़ की मूवी बन रही है तो सोच समझ के ही मूवी बनाएंगे। तो आज के यही 2-3 अपडेट थे, वो मैंने आपको बता दिए। तो भाई आपको इसी तरह और भी मोर अपडेट चाहिए, मूवीज होगी वेब सीरीज होगी, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको अपडेट मिलता रहे। तो बस आज की वीडियो में बस यही था। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए